क्या नहीं कर सकते, हम पागल हैं यहाँ पे बैठे हुए। रोडवेज की बसों में मारपीट होना तो आम बात है, लेकिन अब तो प्लेन को भी कुछ लोगों ने रोडवेज बस बना डाला है। रविवार को इंडिगो प्लेन में भी कुछ ऐसा ही हुआ। इंडिगो की इस फ्लाइट में तमाम मुसाफिर बैठे थे, बस फ्लाइट के टेक ऑफ करने का इंतजार था, लेकिन फ्लाइट के अंदर अचानक कोहराम मच गया। दिल्ली हवाई अड्डे पर फ्लाइट में देरी की घोषणा कर रहे इंडिगो के पायलट पर एक यात्री ने हमला कर दिया। रविवार शाम हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अब भी वायरल हो रहा है। वीडियो में साहिल कटारिया नाम का यात्री गोवा जा रहे विमान के अंदर घोषणा कर रहे पायलट पर हमला करते दिख रहा है। सामने आए वीडियो क्लिप में पायलट पर हमला करने के बाद साहिल पर चालक दल के अन्य सदस्य शोर मचाते दिख रहे हैं। वीडियो में साहिल कटारिया को ये कहते सुना जा सकता है कि वो फ्लाइट में काफी समय से बैठे हैं, अगर विमान गोवा नहीं जाने वाला है तो उन्हें जाने की अनुमति मिलनी चाहिए। चलाने वही एक दूसरे वीडियो क्लिप में साहिल कटारिया को सुरक्षा कर्मी विमान से बाहर ले जाते दिख रहे हैं। वो अपनी इस गलती के लिए माफी मांगता नजर आया। उसे बाद में थाने ले जाया गया और फिर गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि कुछ ही देर बाद सीआरपीसी की धारा 41 के तहत नोटिस के बाद दिल्ली पुलिस ने जमानत पर रिहा कर। अब उसी साहिल कटारिया के बारे में जो जानकारी सामने आई है वो हैरान करने वाली है। साहिल कटारिया दिल्ली का एक दुकानदार है। साउथ दिल्ली की अमर कॉलोनी में साहिल स्टेशनरी और खिलौने की दुकान चलाता है। 35 साल का साहिल कटारिया ईस्ट ऑफ कैलाश में अपने परिवार के साथ रहता है। अब हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर साहिल कटारिया जा कहां रहा था। तो जांच के दौरान जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक साहिल कटारिया पत्नी के साथ हनीमून के लिए गोवा जा रहा था। हालांकि पुलिस के मुताबिक साहिल की शादी को 5 महीने हो चुके हैं। अब वो क्लेम कर रहा है कि वो हनीमून के लिए गोवा जा रहा था। जिस फ्लाइट से साहिल कटारिया पत्नी के साथ गोवा जा रहा था, दावा है कि उस फ्लाइट में रशियन इंडियन एक्ट्रेस एवगेनिया बेल्स्काया भी बैठी थी। वो इस घटना की गवाह है। अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर रशियन एक्ट्रेस ने पायलट पर हाथ उठाने की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण तो बताया है, लेकिन साथ ही ये कहा है कि कॉकपिट से बाहर आने के बाद पायलट ने उड़ान में देरी के लिए यात्रियों को दोषी बताया, जिसके बाद फ्लाइट में बैठे ज्यादातर यात्रियों को गुस्सा आ गया।